नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज का यूपी में हम हाजिर हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट लेकर। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में वाराणसी के हस्तकला संकुल में विकास मंत्रियों की बैठक शुरू हुई। इस बीच पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विकास को बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं लोकतंत्र की जर्नी के सबसे पुराने जीवित शहर बनारस में सबका स्वागत करता हूँ। ये G20 विकास मंत्रियों की बैठक के लिए सबसे सही स्थान है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर बी प्रभाकर और बफर जोन के DFO एस संदेशरा को हटा दिया गया है। साथ ही मामले की जांच विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय टीम से कराने का फैसला लिया गया है। दुधवा के फील्ड डायरेक्टर की जिम्मेदारी अब बरेली के मुख्य वन संरक्षक ललित वर्मा को दे दी गई है। यूपी में मिशन शक्ति के तहत पुलिस विभाग के 15 दिनों के अभियान की शुरुआत हो गई है। इसके तहत महिला सुरक्षा व सम्मान से संबंधित सरकार की विभिन्न योजनाओं से अवगत कराने के साथ ही महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के नियंत्रण व रोकथाम के उपाय किए जाएंगे। लखनऊ में शहीद पथ के किनारे यूपी का पहला डिजाइन विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी तेज हो गई है। फिलहाल यहां एक छोटे हिस्से में उत्तर प्रदेश डिजाइन शोध संस्थान संचालित है। ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की ओर से संचालित किया जा रहा है। अब इसे विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। यहाँ हस्तकला को नए स्वरूप में लाने के लिए डिजाइन तैयार किए जाएंगे। नोएडा में जुलाई महीने से पेड पार्किंग शुरू हो जाएगी। पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर चार पहिया वाहन चालक को शुरुआत के 2 घंटे के लिए ₹20 और दो पहिया वाहन चालक को ₹10 देने होंगे। इसके बाद चार पहिया वाहन चालक को ₹10 प्रति घंटा और दो पहिया वाहन चालक को ₹5 प्रति घंटे के हिसाब से पार्किंग शुल्क देना होगा। पूरे दिन के लिए भी रेट तय कर दिए गए हैं। इसके अलावा मासिक पास भी बनाया जाएगा। अलीगढ़ में प्लेज स्कीम के तहत विकसित किए जा रहे प्रदेश के पहले निजी क्षेत्र के हार्डवेयर पार्क की नींव GT रोड भाकरी के पास 13 जून को रखी जाएगी। 75 बीघा जमीन पर विकसित होने जा रहे इस पार्क के लिए प्रदेश सरकार ने 3.50 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। ये प्रदेश का पहला ऐसा पार्क है जिसकी मंजूरी प्रदेश सरकार ने आवेदन के 15 दिन में ही दे दी थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए युवा कौशल जागरूकता अभियान चलाएगी। एक सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ 13 जून को किया जाएगा। अभियान के तहत एम्स में आने वाले लोगों, छात्र और मेडिकल कर्मचारियों को सरकार की विभिन्न रोजगार परक योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। मेरठ मेडिकल कॉलेज में मरीजों का इलाज कराना अब और सुविधाजनक हो जाएगा। यहाँ सुबह की OPD के बाद अब शाम को OPD भी जल्दी ही शुरू होने जा रही है। तकरीबन 9 बीमारियों के लिए डॉक्टर मरीजों को शाम को भी देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा का विश्व प्रसिद्ध पेड़ा लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। इसकी गुणवत्ता की जांच करने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम फील्ड पर उतरी। इस दौरान एक दर्जन दुकानों में छापेमारी की गई। जांच में कई कुंटल पेड़ा व मिल्क केक खराब मिला। इसे टीम ने नष्ट कराया। कई खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने A&S क्रिकेट एकेडमी कोलकाता को 3 विकेट से शिकस्त देकर 39वें ऑल इंडिया उत्तराखंड गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में UPCA के लिए 59 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलने वाले प्रियम गर्ग को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि A&S अकेडमी के अंकुल राय को टूर्नामेंट में 17 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।